एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम में, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी शेल में घूमता है उसके पास दो एनर्जीज होती हैं, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। अगर मैं पूछूं काइनेटिक क्या होती है, आप बोलेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके इक्वल आती है? अगर आपको याद हो अभी अभी किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपेटल फोर्स, आर से आर कैंसिल हुआ था, पहले पेज पे इस असाइनमेंट में हमने क्या निकाला था, एम वी स्क्वायर। इस एम वी स्क्वायर की वैल्यू को उठा के यहाँ से यहाँ पुट कर दें, ये पुट कर दिया तो किसकी वैल्यू आ गई, काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/4πε0E²/2R रहेगा। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? और अगर आप पोटेंशियल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था 1/4πε0Q1Q2R। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटोन है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, बाय आर। तो ये क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो एक आपके पास काइनेटिक आ गई, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक आ गई, पोटेंशियल आ गई, टोटल एनर्जी क्या होगी, इन दोनों का सम। तो आपने इन दोनों को ऐड किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके ये किसकी एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई, किसी ने कहा सर हमने तो केमिस्ट्री में किया हुआ है -13.6 n², ये क्या करवा दिया, सेम है। अगर आप r की वो बड़ी सी वैल्यू जो ऊपर निकाली n स्क्वायर की टर्म में, वो उठा के इसमें पुट करें और सारी वैल्यूज को पुट करें तो ये टोटल एनर्जी -13.6 n² ही आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैं करके दिखाऊंगा अभी। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आ जाते हैं कि अगर आप ध्यान से टोटल एनर्जी को देखें, काइनेटिक एनर्जी को देखें और टोटल को देखें, दोनों में क्या अंतर है, सिर्फ माइनस का अंतर है, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी। तो क्या मैं लिख सकता हूं, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कोई डाउट इसमें, सही है यहां तक? दूसरा, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को देखें और टोटल को देखें, पोटेंशियल में 2 नहीं आ रहा, काइनेटिक में 2 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इज, जो टोटल एनर्जी है इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो टोटल एनर्जी है इसमें 2 का अंतर है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2 ऑफ टोटल एनर्जी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? रादर मुझे ऐसे उल्टा लिख दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी लिख दी यहाँ पे, मुझे ऐसे लिखना चाहिए, ये रही पोटेंशियल एनर्जी और ये रही काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की टोटल एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी से हाफ है, 2 आ रहा है ना बीच में, पोटेंशियल को 2 से डिवाइड करो तो टोटल बनेगी, ऐसे है, ये लिखना चाहिए, ठीक है यहाँ तक? अब ये सारी जो तीन वैल्यूज हैं उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, मैंने हमने रिलेशन निकाल लिया, तो पहला क्वेश्चन आ सकता है टोटल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, पर टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक, काइनेटिक काइनेटिक एक तरफ ले लो तो 2 टाइम्स काइनेटिक इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑब्जेक्टिव में मार्क करने को आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है। अभी भी मैंने किया भी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 और नेगेटिव साइन भी है, प्रूव भी कर दिया मैंने ये। या फिर ये भी आ सकता है टोटल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, अब काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी तो काइनेटिक की जगह माइनस टोटल एनर्जी, टोटल टोटल ऐड हो गए 2 टाइम्स टोटल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको टोटल एनर्जी दे दे और आपसे पोटेंशियल पूछ ले। तो देखो हम न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला लगाते नहीं है पोटेंशियल का, हमें आर कौन निकालेगा, इतना मुश्किल काम है। टोटल एनर्जी निकालनी सबसे आसान है, जैसे एन इज इक्वल टू 3 में टोटल एनर्जी है -13.6 n², टोटल तो आ गई। अब वो पूछेगा एन इज इक्वल टू 3 में टोटल एनर्जी अगर -13.6 n² है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बोलो काइनेटिक कितनी है। तो आप यही शॉर्टकट लगाएंगे कि अगर आपके पास टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी आपको आती है, जो केमिस्ट्री से कर सकते हो -13.6 n², तो वहाँ से टोटल भी, वहाँ से काइनेटिक भी आ जाएगी और उसी तरीके से यहाँ से क्या आ जाएगी, पोटेंशियल भी आ जाएगी। तो दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही होता है, आपसे पोटेंशियल एंड काइनेटिक पूछेगा तो इन फॉर्मूला से काइनेटिक एंड पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड, राइट? तो एनर्जीज का रिजल्ट क्लियर है।
टोटल एनर्जी हमारे पास ये आई, आर का बड़ा सा फॉर्मूला ये आया था, इस आर की वैल्यू को डिनोमिनेटर में पुट करके रीअरेंज करके ये टर्म आएगी, करना नहीं है वैसे बता रहा हूँ। तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स हमें मालूम है एन को छोड़ के, तो सब कुछ पुट करने के बाद टोटल एनर्जी वही केमिस्ट्री वाली आएगी -13.65 n². तो टोटल एनर्जी में हम ये कुछ लगाने वाले नहीं हैं, हम यही लगाने वाले हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये याद रखना, कई बुक्स में आपको 13.6 की वैल्यू गिवन होती है आर, आर फॉर रिडबर्ग कॉन्स्टेंट इंटू एच फॉर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इंटू सी और स्पीड ऑफ लाइट, तो आर एच सी का प्रोडक्ट 13.6 ही होता है। तो प्लीज़ कई बुक्स मैं अपने न्यूमेरिकल्स ऐसे ही करता हूँ, मैं आर का चक्कर डालता ही नहीं, कौन याद करेगा आर, पर कई बुक्स आर एच सी लिखी जाती हैं तो प्लीज़, और एंड में क्या करती हैं, आर एच सी की 13.6 फुट कर लेंगी, तो इट्स बेटर, मेरे को लगता है कि इससे अपना काम चलता है। पर फिर अगर कोई बुक सॉल्यूशन दिखाए और आपको समझ में ना आए तो पता होना चाहिए कि ये भी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब अगर आपका इलेक्ट्रॉन अपर शेल से लोअर शेल में गिरता है तो एनर्जी का डिफरेंस क्या है, एच न्यू, तो आर एच सी की फॉर्म में इनिशियल एनर्जी ये रही, फाइनल एनर्जी ये रही, सॉल्व करके आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब एच न्यू क्या होता है, एच सी बाई लैमडा, एच सी से एच सी कैंसिल, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, 1/λ की, तो 1/λ की वैल्यू आएगी। तो ये केमिस्ट्री में यूज भी करते हैं, 1/वेवलेंथ, आपको स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी होती है हाइड्रोजन की, तो लैमडा का ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है यहाँ तक, टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन,